हमीरपुर पुलिस थाना में पुलिस वेलफेयर वीक के तहत प्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी रेणु शर्मा ने की। प्रेस मीटिंग के दौरान डीएसपी रेणु शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय शिमला की ओर से पुलिस विभाग को वेलफेयर वीक मनाने के आदेश मिले थे, जिसके तहत 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक वेलफेयर वीक मनाया गया। उन्होंने बताया कि वेलफेयर वीक के 7वें दिन पुलिस मीडिया इंटरफेस पर इंटरेक्शन करने के लिए कहा गया था, जिसके तहत प्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया। वह बताया गया कि पुलिस मीडिया को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि किसी केस से संबंधित किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवानी है, इसके बारे में भी बताया गया। डीएसपी रेणु शर्मा ने कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को लॉ से संबंधित जानकारी भी दी गई। ये पुलिस मुख्यालय शिमला से पुलिस वेलफेयर वीक मनाने के लिए हमें आदेश हुए थे, जिसमें आज 7वां दिन था। ये पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर से शुरू होता है और अगले 7 दिन तक चलता है, जिसमें आज 7वां दिन था और आज पुलिस मीडिया इंटरफेस पे इंटरेक्शन करने के लिए कहा गया था, जिसमें मुझे नॉमिनेट किया गया था। इसी के तहत मैंने एक मीटिंग बुलाई थी मीडिया ऑफिसर्स की, जिसमें हमने बात की पुलिस मीडिया वालों को, लोकल मीडिया पर्सन्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है एज फार एज पुलिस इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, और हम लोगों को क्या समस्याएं आती हैं, हम लोग किस तरह के लॉज को हमें अवॉइड करना पड़ता है जब हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसी के उस पर चर्चा हुई। कुछ आपके पॉइंट्स टेकअप किए गए और कुछ अपनी तरफ से हमने आपको लॉज के बारे में जानकारी दी, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी दी कि जिनके तहत हम पुलिस मीडिया इंटरेक्शंस को कैरी करते हैं। इसमें ये काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा और सबने इस इंटरेक्शन से फायदा उठाया, धन्यवाद। 7 दिनों में नहीं, ये 7 दिन अलग अलग तरह के इसमें रहता है इंटरेक्शन, इवेंट्स अलग अलग तरह की होती हैं। पुलिस मीडिया इंटरफेस का सिर्फ एक ही दिन होता है, जिसके तहत आज ये मीटिंग कंडक्ट करी गई।